मोदी उपनाम से संबंधित टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने और लोकसभा बहाली का आदेश किया है। इस आदेश के बाद कांग्रेसजनों में हर्ष का माहौल है। इस खुशी में एमजी रोड स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय पर मिष्ठान का वितरण किया गया। मोदी उपनाम से संबंधित टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने और लोकसभा बहाली का आदेश दिया गया है। इस आदेश से कांग्रेसजनों में हर्ष का माहौल है। इस खुशी में एमजी रोड स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय पर शहर अध्यक्ष ने लोगों में मिष्ठान वितरण किया। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू के साथ वरिष्ठ कांग्रेसियों ने राहगीरों में मिष्ठान वितरित किया। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी उपनाम से जुड़ी टिप्पणी को लेकर 2019 में दायर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने और लोकसभा सदस्यता बहाली के जजमेंट का स्वागत करते हुए शहर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू ने कहा कि आज लोकतंत्र की जीत हुई है, यह विरोधियों के मुंह पर तमाचा है। जब राहुल जी को सजा बोली तो हमें पूरी तरह ये पता था कि गुजरात में हमें न्याय मिलना मुश्किल है, लेकिन हमें सर्वोच्च न्यायालय पर पूरी उम्मीद थी कि हमको न्याय मिलेगा। राहुल जी की सजा खारिज होगी और उनकी सदस्यता बहाल होगी। आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उससे ये साबित हो गया कि देश में भी लोकतंत्र जिंदा है और राहुल गांधी जिस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, सदस्यता चली गई तो वो सड़क पर लड़े और फिर वो सदन में लड़ने तैयार हैं, लेकिन लोग इस देश के संविधान को बचाने का काम, लोकतंत्र को बचाने का राहुल गांधी करते हैं, करते रहेंगे, चाहे उन्हें एक बार नहीं चार बार जेल जाना पड़े। आज का आपने जैसा कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, आज का फैसला ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक दिन है, सत्य की जीत हुई है। हम सब जानते हैं कि देश के लोकतंत्र को बचाना है तो राहुल गांधी जी को मैदान में फिर से आना पड़ेगा और वो बराबर मैदान में चल रहे हैं और हमारे जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनकी बेहद हार हुई है। आज उनको सबक लेना चाहिए कि झूठे आरोपों से देश नहीं चलता। आज लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो राहुल गांधी की सजा जो दी गई थी आंगन फागन में, जैसे 24 घंटे के अंदर उनको सदस्यता रद्द करने के बाद उनका क्वार्टर भी छीन लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की से, आज हमें कांग्रेसियों को राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत मिली। आज इतना बड़ा खुशी का दिन है जो हर कांग्रेसियों को, जो भारतवर्ष के अंदर हर कांग्रेसी इतने खुशी हैं कि आज बता नहीं सकते। जिस लोकतंत्र की हत्या करने के लिए 9 साल पहले ये 2014 में बैठे थे, तभी से हर दिन हर पॉइंट पर ये लोकतंत्र की हत्या करते रहते थे और इन्होंने हद करी थी 23 मार्च को जब इनकी सदस्यता खत्म कराने के लिए जिस केस को ख़त्म कर दिया गया था द्वारा उसको रीओपन करके गुजरात में, और उसको मैंने इसीलिए कि वो उन्होंने क्वेश्चन किया था संसद में कि अदानी का जो पैसा, अदानी पास जो पैसा गया है 20,000 करोड़ रुपया वो सेल कंपनी का, वो कहाँ से आया, और उन्होंने इस क्वेश्चन को जवाब ना देना हो इसलिए उनकी सदस्यता खत्म कराने के लिए साजिश चली। आज आप देख ही रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी की राहत दी है और जो सदस्यता बहाल की है उससे कांग्रेस जन नहीं आम जन में भी एक खुशी का माहौल है और आज हमें लगता है कि अभी भी भारतवर्ष में न्यायपालिका मजबूत है और आगे भी न्याय मिलेगा क्योंकि जो ये लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रहे हैं, आज हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट है जब तक हमारा लोकतंत्र बचा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से मोदी उपनाम से जुड़ी टिप्पणी को लेकर 2019 में दायर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक को लेकर उत्साह से लबरेज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हाजी जम्मीलुद्दीन कुरैशी ने कहा कि आज का दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा और देश के पीएम राहुल गांधी बनेंगे। आज बड़ी खुशी का है कि जो बेईमानों ने चार्ज लगाया था, चोरों ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसे खारिज कर दिया। आज कांग्रेसियों में जो है अपार खुशी है और लड्डू बांट रहे हैं हम यहाँ, और ये समझे वो हमारे नेता हैं जो है हिंदुस्तान के, जो है राहुल गांधी जो हैं, और इंशाअल्लाह जो है हम जो है वो अंधेरे कट गए, अब कल उजाला होने वाला है। असत्य पर सत्य की जीत हुई है। आज न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है कांग्रेस के फेवर में, राहुल गांधी जी के फेवर में, हिंदुस्तान की जनता के फेवर में, आज जो लोग जो कहते हैं हिटलर शाही शासन जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, झूठ के जो वास्या है, आज राहुल गांधी कहाँ पर उन्होंने स्पीच दिए थे, कहाँ पर मुकदमा कायम हुआ था, आज जो कोर्ट का जो फैसला आया है, आज कांग्रेसियों में एक उत्साह की लहर है। कल राहुल गांधी सदन में बैठेंगे,
और हिंदुस्तान की जनता की आवाज को वो उठाएंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ पश्चिमी जोन के चेयरमैन विनोद बंसल ने कहा कि अब राहुल गांधी सदन में देश की जनता की आवाज बनने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में देश में राहुल गांधी देश के पीएम बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो नतमस्तक है और इस प्रकार से इन्होंने जो साजिश रची थी उस साजिश का पर्दाफाश हुआ है और उनके मुंह पे चांटा पड़ा है, जबकि उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगू। राहुल गांधी ने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, और वो अपने जो विचार था उस पर अडिग रहे और कांग्रेस पार्टी के लिए और इसके देश के लिए और इंडिया जो अलायंस है उस सब के लिए बहुत खुशी की बात है, और जो अलायंस बना है वो निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होगा। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, जिस तरीके से हर कांग्रेस कार्यकर्ता को आज के दिन का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसले के अंदर में राहुल जी को सिद्ध मुक्त किया है कि उनके ऊपर में किसी भी तरीके का कोई उनको अयोग्य नहीं है, उनको योग्य ठहराया है, उनकी जो सदस्यता जो है बहाल करी गई है, और जिस तरीके से विरोधी जो षड्यंत्र लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रास्ते चले आ रहे हैं उनके ऊपर में एक करारा जवाब है। ये असत्य के ऊपर में सत्य की जीत है। आज कांग्रेस के अंदर में खुशी का दिन है, मैं तो ये कहूँगा आज ये जो एक फेस्टिवल की तरीके से है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली के आदेश से देश भर के कांग्रेस जनों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।